दुनिया को हंसाने वाला रुला कर चला गया। राजू श्रीवास्तव कॉमेडियन का 21 सितंबर 2022 को निधन हो गया। ये लगभग एक महीने से ज़्यादा 42 दिनों से हार्ट अटैक की बीमारी के कारण भर्ती थे एम्स में और वहाँ इनका निधन हो गया। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो हास्य व्यंग के माध्यम से समाज को आईना दिखाने का काम करते थे। तो आइए इनके ऊपर और इनकी जीवनी पर थोड़ी नज़र डालते हैं, क्योंकि आगामी परीक्षाओं से ये संबंधित भी रहेंगे और एक महान शख्सियत रहे हास्य के क्षेत्र में। इन्होंने सदा कांटों पर चलने वाली दुनिया को फूलों पर चलने के कुछ माध्यम दिए। इन्होंने असीम वेदनाओं के ऊपर कुछ पुष्पों की फुहार की और हंसी चिठोली के माहौल से इस दुनिया को गुदगुदाने का काम किया। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनकी जो अभी तक की यात्रा थी उस पर थोड़ी नज़र डालते हैं, जो इनके लिए एक सहज श्रद्धांजलि हमारी तरफ से और आप सबकी तरफ से होगी। और आप सभी लोग इस वीडियो को अपने मित्रों तक पहुंचाएंगे ताकि वो भी ये जान सकें कि यह एक जो महान शख्सियत थे जिन्होंने फिल्मों में भी भारी काम किया और हिंदी जगत में विशेषकर उत्तर भारतीयों को के लिए एक बहुत ही गजब के व्यक्ति थे। तो राजू श्रीवास्तव, जिनका जन्म 21 दिसंबर सन 1963 को कानपुर में होता है, इनके पिता रमेश चंद श्रीवास्तव और माता सरस्वती श्रीवास्तव के घर जन्म लेते हैं राजू श्रीवास्तव। और अपना बाल्यकाल दीपू श्रीवास्तव अपने भाई के साथ गुजारते हैं। फिर इनका सफर चलते चलाते सन 1993 में इनका विवाह होता है शिखा श्रीवास्तव से, और जिनसे इन्हें दो संतानों की प्राप्ति होती है, आयुष्मान श्रीवास्तव और अंतरा श्रीवास्तव, एक पुत्र और एक पुत्री। ये सफर इनका जब यहाँ कानपुर में ये थे तो छात्र जीवन में ही ये दूसरों की नकल उतारा करते थे। दूसरों की तात्पर्य है मुख्यतः शिक्षकों की नकल उतारना और मिमिक्री करना। इसमें इन्होंने दुनिया में मिमिक्री में और कॉमेडी में अपनी ख्याति प्राप्त की। इनका जुड़ाव कानपुर में होने के साथ साथ इनके पिताजी मूलतः उन्नाव के मगरायर के निवासी थे। यहाँ से इनके पिता का एक रमेश चंद श्रीवास्तव तो इनका नाम है, ऐसे ये बलई काका नाम से उन्नाव कानपुर रायवेली के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में फेमस रहे। राजू श्रीवास्तव का पूरा जीवन, जो इन्होंने भी व्यवसायिक जीवन अपना जिया जो कॉमेडी के क्षेत्र में, वो ही बॉम्बे में रहे, लेकिन जो इनके पिता और इनका बाल्यकाल बीता वो यहाँ कानपुर और उन्नाव के क्षेत्र में बीता। अब आगे बढ़ते हैं इनकी अन्य करियर पर। तो जब हम देखते हैं तो इन्होंने जो अपना कार्यक्रम शुरू किया वो हास्य की दुनिया में लगातार बने रहे। इन्होंने आनंद जी, बप्पी लहड़ी, नितिन मुकेश जैसे कलाकारों के साथ काम किया। भारत और विदेश में भी इन्होंने बहुत काम किया। ग्रेट लाफ्टर चैलेंज में भी इन्होंने अच्छा काम किया और प्रदर्शन के साथ साथ ये लगातार बने रहे। इन्होंने बिग बॉस के सीजन 2 सीजन 3 इन्होंने में भी काम किया। इन्होंने जो सबसे ज़्यादा मिमिक्री किसी की वो अमिताभ बच्चन, लालू यादव जैसे लोगों की मुख्यतः इन्होंने मिमिक्री की, तथा रोजमर्रा की जिंदगी से कैसे हास्य निकाला जाता है, कैसे दर्द भरी इस दुनिया को हंसी दी जा सकती है, ये राजू श्रीवास्तव से अच्छा कोई समझ नहीं सकता था। और कैसे इन्होंने, ऐसा नहीं था कि किसी हास्य कलाकार के पास अपनी वेदनाएं नहीं होती, लेकिन उसको भी छिपाते हुए दूसरों के चेहरे पर जो हंसी ला दे वो आदमी छोटी मोटी शख्सियत नहीं होता, वो व्यक्ति वंदनीय है जिसने किसी को हंसा दिया इस धारा पर। तो इन्होंने काम किया। 2010 में राजू श्रीवास्तव ने दाऊद इब्राहिम पर कुछ कॉमेडी में कुछ कह दिया, तो जो जिससे कि पाकिस्तान की तरफ से राजू श्रीवास्तव को धमकी भरे फोन भी आए, आतंकवादियों की हिट लिस्ट में भी राजू श्रीवास्तव रहे, तो यह भी एक कथानक बनता है। फिर सन 2014 में इनको कानपुर से ही समाजवादी पार्टी, जो क्षेत्रीय पार्टी है उत्तर प्रदेश की, उसने अपना प्रत्याशी बनाया। और प्रत्याशी बनने के बाद इन्होंने 11 मार्च 2014 को यह कहते हुए टिकट अपनी वापस कर दी कि पार्टी के जो प्रत्याशी हैं क्षेत्रीय, वो हमें समर्थन नहीं कर रहे। और इसके बाद यह 19 मार्च को भाजपा में शामिल हो गए।
भाजपा में शामिल होने के बाद फिर इन्हें नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री थे हैं भी प्रेजेंट टाइम में, उन्होंने इन्हें स्वच्छ भारत अभियान में हिस्सा भी बनाया उसका कि जागरूकता करने के लिए। इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है जिसकी हम आपको लिस्ट भी देते हैं। इन्होंने तेजाब में काम किया, इन्होंने मैंने प्यार किया में काम किया, बाजीगर में, मिस्टर आजाद में, अभय में, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया में काम किया, वाह तेरा क्या कहना फिल्म में काम किया, मैं प्रेम की दीवानी हूं में काम किया, विद्यार्थी द पावर ऑफ स्टूडेंट्स में भी इन्होंने काम किया, बिग ब्रदर में काम किया, बॉम्बे टू गोवा में काम किया, भावनाओं को समझो फिल्म में भी काम किया, बारूद द फायर अ लव स्टोरी में भी इन्होंने काम किया, टॉयलेट एक प्रेम कथा में भी इन्होंने काम किया और फिरंगी में काम किया। ये इनकी फिल्मों की फेहरिस्त रही जो इन्होंने फिल्मों में सन 1988 में कदम रखा था और 2017 तक इन्होंने इतनी फिल्मों में काम किया। इसके अलावा टीवी शोज की अगर बात करें तो शक्तिमान, बिग बॉस, ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में इन्होंने काम किया और ये गजोदर भाई के नाम से बहुत ज्यादा फेमस थे। गजोदर भैया मुख्यतः नाम से फेमस थे। इन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार के आंचलिक परिदृश्यों को भारत के राष्ट्रीय पटल तक बल्कि विदेशों तक भी भारत को कि इस ग्रामीण परिवेश को इन्होंने प्रकाशित करने और उससे हास्य निकालने का प्रयास किया। इनका एक ट्रेन का जो है, ट्रेन जब छूटती है तो कैसे छूटती है, बड़ा फेमस रहा। महिलाओं की वार्तालाप भी इन्होंने काफी, मतलब इनका जो ढंग था वो व्यंग्यात्मक तरीके से हास्य के माध्यम से लोगों को जागरूकता पैदा करना जो इनका एक मुख्य कार्य रहा और सराहनीय रहा। इनका यह सफर जो 21 सितंबर को समाप्त होता है और ये हमने जो जानकारी थोड़ी बहुत इकट्ठा की आप तक पहुंचाई, ये राजू श्रीवास्तव जी का एक सफर, इसके साथ उन्हें एक विनम्र और अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और आप सभी को ये वीडियो सौंपते हैं, इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और इस महान हस्ती के लिए एक ये है जो काला दिवस हम सभी लोगों के लिए है, हिंदी सिनेमा के लिए भी, हिंदी जगत के लिए भी और कॉमेडी क्षेत्र में तो है ही है, ये सदा बना रहेगा। इसी के साथ ये वीडियो की समाप्ति है।